हाय एवरीवन समस्तिंकु सुशांत ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो फ्रेंड्स आउ एक न्यू जॉब अपडेट आ 2024 रार योग्यता रहिबो दशम पास। आपण जदि दशम पास करछन्थि याको अप्लाई करि परिबे एवं वर्तमान आपणनकर तार ऑलरेडी अप्लाई डेट स्टार्ट होई सल्लानी। लास्ट डेट रहिछ आपणनकर मे 14। आय पूर्व आपणनकु अप्लाई करिया पडिबो। कोन यार डिटेल्स रहिछ, एज लिमिट केते, सैलरी कोन, सिलेबस कोन, जहा भी डिटेल्स अछि आमे वीडियो डिस्कशन करिबा। ऑलरेडी मु पूर्वरु जितेबेले आसिनथिला आपणनकर अप्लाई डेट ता पूर्वरु मु आपणनकर ऑलरेडी डिस्कशन कर सारथिली। अप्लाई डेट आसीवलानी, लास्ट डेट आपणनकर जे मे 14, सेते मु आपणनकु आउ थोर जणया पे एटार डिस्कशन कर दउछि। निश्चय भिडियोटू शेष पर्यंत देखिबे, संपूर्ण डिटेल्स आपणने जानि परिबे एवं जल्दी जल्दी अप्लाई मध्ये कर देबे। चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे, जहा द्वारा आगु कोई भली इंपोर्टेंट जॉब अपडेट गुडीकर नोटिफिकेशन आपणन पाखर सर्वप्रथमे पहुँचरिबो। तो फ्रेंड्स चालंतु भिडियोटी स्टार्ट करिबा। तो फ्रेंड्स आपणनकर पोस्ट इट रहिछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तरफ आपणनकर ई जॉब टी रहिबो। तो ओपनिंग डेट आपणनकर ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी एप्रिल 15 रु, लास्ट डेट रही आपणनकर मे 14। आ भितर आपणनकु अप्लाई करिया पडिबो। जदि आपणने कोनोसी करेक्शन बा करिया चाहूँगी तबे आपणने आरे भितर करि परिबे 24 मे भितर। तापर रही आपणनकर सैलरी देखि परथिबे 21,700 आपणनकर रही मध्य आपणनकर आहुरी बढ़िके आसिबो। तापर इम्पोर्टेंट रही 1/7/2024 सुधा आपणनकु जमी 18 वर्ष हो जाए जाक अप्लाई करेंगे ना अप्लाई करें 18-28 रही आपर एज रिलैक्सेशन वैकेंसी टोटल आप 4,208। आप गोटे इंपोर्टेंट अपडेट रही कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो मैंने 10th एग्जाम देखते आपर यार क्वालिफिकेशन मांगूँ 10th, तो जब आपने 10th एग्जाम देखते आपने को अप्लाई करि परिबे नाही। जो मैंने रिजल्ट को वेट करी छंती, जो मैंने ऑलरेडी तंकर रिजल्ट आसी सारी से मैंने को अप्लाई करि परिबे 18 इयर जदि होइछि। तापर आपनकर एज रिलैक्सेशन रहिछि एसीएसटी पे 5 इयर, ओबीसी पे 3 इयर्स एबले आपनकर रहिछि। तापर आपनकर जो कोविड जो मधे 3 इयर आपनकर एज रिलैक्सेशन रहिछि। तापर एप्लीकेशन फी रहिछि आपनकर एसीएसटी एक्स सर्विस मैन फिमेल माइनोरीज और इकोनोमिकल बैकवर्ड क्लास एबीसी रही 250 टाँ छाड़ी जो कैटेगोरी रही 500 टाँ फी रही आप्लायर। तापर जो रिटर्न एग्जामिनेशन हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम से आपर 10th स्टैंडर्ड मैट्रिक लेवल अनुजाई हम। तापर आपर 90 मिनिट आपर समय टोटल क्वेश्चन रही 120। तापर आपणनकु जदि गोटे ठीक करछन्थि गोटे मार्क मिलिबो, नो मार्क शाल बी अवार्डेड। तापर होछि देयर शाल बी नेगेटिव मार्किंग, जदि आपणने तीनटा भूल करछन्थि तेबे आपणनकर गोटे मार्क कटिबो, एटा होछि नेगेटिव मार्क। तापर टोटल मार्क होछि 120, 90 मिनिट आपणनकु समय मिलिबो। तापर सिलेबस देखन्तु, सिलेबस रहिछि अरिथमेटिक 35 मार्क, तापर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रही 35 मार्क, जनरल अवेयरनेस रही 50 मार्क, टोटल आपणनकर 120 मार्क। एथे आपणनकर कोन कोन रहिबो कोन कोन आसीबो एथे आपणनकर देछि। रिटन एग्जाम रे क्वालिफाई कला पर आपणनकर फिजिकल टेस्ट हबो, सेथिर आपणनकर कांस्टेबल जो रहले मेल मानन पई 1600 मीटर रनिंग करिवे 5:45 रे। तापर लॉन्ग जंप रहिबो 14 फुट, हाई जंप रहिबो 4 फुट। कांस्टेबल जो फीमेल मैंने रही है रही 800 मीटर रनिंग 3:40 रे, 9 फिट रही लॉन्ग जंप, 3 फिट रही हाई जंप। तापर जो रही आमर हाइट वेट जो रहा यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी 165 मेल 157 फीमेल। तापर आउ जो मैंने रही पैरवेल्स गोराक्स एगुड़िक जो रही है रही 163-155 हाइट रही। चेस्ट रही अनएक्सपेडेड एवं एक्सपेडेड कले 85, 76.2 रही आमर चेस्ट अनएक्सपेडेड। तापर एक्सपेडेड कले 81.2, तापर 80 रही अनएक्सपेडेड आंकपाई, तापर 85 रही एक्सपेडेड। तापर ये आपर आउ थे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास आपने करेंगे इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड रू तेज आपने अप्लाई करें।
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାଟେଗୋରିରେ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ୟୁଆର୍ରେ 1450 536 ଏସ୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ 268, ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 966, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଙ୍କ ପାଇଁ 357, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 3577। ତାପରେ ଫିମେଲ୍ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଆର୍ଙ୍କ ପାଇଁ 256, 95 ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ 47, ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 770, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଙ୍କ ପାଇଁ 63, ଟୋଟାଲ୍ 671 ହେଉଛି ଆମର 4208 ପଦବୀ। ତାପରେ ଆମର ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। ତାପରେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି ତଳେ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ, ଦେଖିକି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆଉ ଯାହା ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିବା, ଧନ୍ୟବାଦ।